मेरी दीदी को क्यों चिल्ला ले पापा? दीदी कहाँ हुआ तेरे को? दोनों की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पर मैं वो किचन में जाने नहीं दिया, मम्मी लहसुन की चटनी खिलाते नहीं था पापा। गर्दन नल लग गई, पड़ी है ना हमारे बुक्स पे आके रख। ले निकाल स्कूटी निकाल। मार्केट में यही पहन के बोलती नहीं तो उसका फायदा नहीं उठाना टकले। Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. तो फिलहाल अभी 10:10 हो रही है और फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। इधर मेरा पुप्पू है ना, उसकी तबीयत खराब जब से हुई है, जब से सबको परेशान, पूरे घर वालों को परेशान करके रखा है। बस गुद्दी चाहिए है ना पुप्पू। देखो ये अब भी उतर के भग रहा है क्योंकि अभी उसकी मम्मा ने उसको डिड्डू पिनाया है ना, इसीलिए डिड्डू पी के उतर गया, पेट टमेटो लीजिए भर आ गए इसलिए उतर गया। अच्छा ठीक है। तो फिलहाल आज हमने ना सीतू इनके घर में जो भी है उनके सबका खाना, सीतू का, सीतू की सास सासू माँ का, जो भी है सब सबका खाना हमने हमारे घर पे रखा है। उस दिन उन्होंने हमको हम उनके घर बुलाया था खाना खाने के लिए, आज उनको हम हमारे घर खाना खाने के बुला रहे। उन्होंने दाल बाटी बना के लाई थी, हम उनको मटर आलू की सब्जी खिलाएंगे। यदि हमको दाल बाटी की जगह और कुछ खिलाता ना तो आलू की जगह पनीर डालते, पर अच्छा यदि मैं खाना बनाता ना तो उसके लिए लहसुन की चटनी बनाता, क्योंकि मुझे दाल बाटी पसंद नहीं है, उसने मैं दाल बाटी बनाई इसलिए उसके लिए लहसुन की चटनी बनाता मैं, पर आदित्य ने मना दिया। ए घर से बाहर निकलो दोनों भी दोनों। तूने दवाई पीना है दोनों। आलू की सब्जी क्यों बनाई? मेरी बहन आ रही है, पनीर डाल देती उसके अंदर। तो ना देते क्यों बनाई आलू की सब्जी? लहसुन की चटनी बनाती नहीं उसने मेरे लिए, वो बनाई दाल बाटी में पसंद नहीं। नहीं बनाई थी, तुम्हारे पास था। दाल बाटी बनाई थी। मैं यदि खाना बनाता ना, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तो उसके लिए लहसुन की चटनी बनाता है स्पेशल लिखा। तूने मैं दाल बाटी बनाई ना, हमको खाना खाने के लिए बुलाया दाल बाटी बनाई, हम तो लहसुन की अच्छी वाली चटनी बना के खिलाएंगे उसको। लहसुन मुझे अच्छी पसंद नहीं, किसी चीज़ में लहसुन नहीं खाती है वो। फिलहाल दोनों बच्चों को यहाँ पे दवाई देंगे हम, ये दवाई, क्योंकि उनको बुखार है ना। ऐसा नहीं कि बुखार चले गया तो फिर दवाई देना बंद कर दो, नहीं जब भी हम दवाई पूरी बराबर 3-4 दिन तक जब तक डॉक्टर बोलते हैं जब तक पूरी दवाई देते हैं। खरगोश जैसी खा रही, घुटने चलती रहती, फिर दो वापस बढ़ जाती, फिर करके तोड़ लेगी। देखो पिंची पोंचा, तू आई हमारे घर खाना खाने के लिए? चुप। पिंची तू दिखा रही तुमको, पिंची तू हमारे, पिंची इधर आओ, मैं सुनो, पिंची तू मेरी बात सुन, तू हमारे घर खाना खाने के लिए आई है। पिंची तू हम हमने तेरे को खाने के लिए इनवाइट करा ना। देखो हमने खाने के लिए इनवाइट करा है तो जरा हमारे से बातचीत कर। मेरे बच्चा ऐसा करते मामा, हमने तेरे को हमने कर दे मामा को, हमने तेरे को खाना खाने के लिए इनवाइट, ऐसा नहीं करना, नो बोल दे। पिंची हमने तेरे को खाना खाने, विदित अपन ने दीदी को खाना खाने के लिए इनवाइट करा ना। हां तो पिंची दल मामा बात कर लो मामा, मेरे को तो देखा करे हैं, उधर देख देख के क्या बातें करा करती है। कर लो बात कर लो मामा, जरा इधर देखा कर, तेरी मामी जैसा इधर उधर मुंह मोड़ मोड़ के कैमरे में बात करती है। मामी की बुराई तो हर पॉइंट पे होगी। इधर देख क्या है, हमने तो खाना खाने के लिए बुलाया ना, तो खा खाना, जल्दी खा प्रिंसी। हाँ तोड़ खिला रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम? इसे ज्यादा लाड मत लड़ाए उसके साथ, मेरी बेटी है वो। खा खारी की नहीं खारी, खा जल्दी खा, नहीं खाती है, खा खा प्रिंसी। अच्छी भली, चुप मुंह बंद कर जरा प्रिंसी। मेरी दीदी को क्यों चिल्ला लो पापा? दीदी कहाँ हुआ तेको? खा खा मेरा राजा बेटा। ओ तेरे चामने की दोनों दांत निकले। ओ नहीं बेटा, बेटा प्यार कर लो तेको, प्यार करा मैंने मेरी बेटी को। ये तो पुंसा रानी को ना ऐसा चमकाने में मजा तो आता है, क्योंकि ना बच्चे ऐसे प्यार से खेलते खेलते तो अच्छे लगते हैं, पर उनका दूसरा रूप भी होता है, रोना धोना, ये वो पसंद है मेरे को। ठीक है। तो फिलहाल हमारे घर में टीवी का रिमोट नहीं है, हमने हमारा वो टीवी का रिमोट तो तोड़ गया, लड़ाई हुई थी आदित्य और मेरी, तो टीवी के दोनों रिमोट टूट गए। और फिलहाल अभी जो रिमोट है वो सीतू के घर से रिमोट लेके आना पड़ेगा, उसके रिमोट से हमको हमारी टीवी चलाना पड़ेगी। तो फिलहाल अभी वो कल तो लेके आए थे और उनको टीवी देखनी थी तो वो टीवी का रिमोट ले गए, पर अब हमको देखनी है, हम उसके घर से छीन के ले आएंगे रिमोट। दोनों की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पति पत्नी के। हे गए तो सीतू घर से रिमोट ले लिया हमने। क्या हो गया चुया रानी? बस खाओ खाओ। हे गए तो फिलहाल इधर खाना चल रहा है, इधर पिंची तू भी खा लो ना बेटा खाना। देख तेरी मम्मी ने हमको दाल बाटी खिलाई थी, हम तेरे को ये खिला ले पिंची। कहाँ लग गई? खाना है पप्पू खाना। ठीक है। तो फिलहाल अभी 10:30 बजे अभी से खाना खा रहा हूँ मैं,
साढ़े दस बजे और अभी से मेरा मन कर रहा है खाना खाने। हाँ यार, कल उपवास था ना इसलिए मैं भूख लग रही थी, तो खाना खाते हैं। आजा पिंची, मैंने देख तेरे लिए देख के पिंची आम का लच बनवाया, तेरी मम्मी के लिए पिंची लहसुन की चटनी बनवाने वाला टमेटो, पर मैं किचन में जाने नहीं दिया, मम्मी लहसुन की चटनी खिलाते नहीं तो अपन बना देंगी, ठीक है मम्मी हमारे घर से ला के दे लाल वाली। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे फैन लगाया ना, पर फैन लगा के ऐसा लगता है वो थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि तो चिड़िया होंगी, देखो एक चिड़िया ये रही, एक चिड़िया उड़ के चली गई, वो इस पंखे के अंदर घर बना रही है। देखो एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, देखो ये रही, एक यहाँ बैठी है, एक वो बैठी है, और फिलहाल ना एक चिड़िया का जो पंखा चल रहा था तो चिड़िया निकल के उड़ी, तो उसका पाव कट गया, अभी फैन के अंदर पाव कट गया और चिड़िया गिर गई। तो फिलहाल मम्मी इनको बाहर रख के आ गई थी चिड़िया को, देखो ना यार कितनी प्यारी प्यारी सी चिड़िया है। एक बार पता है क्या हुआ था, मेरा पुराना घर था, तो पुराने घर पे सबसे नीचे वाले रूम में चिड़िया फैन के अंदर ही चिड़िया ने घोंसला बना लिया था, और फैन चल रहा था स्पीड में, और पूजा में सेतु हम तीन जन पड़े गए थे, बुक से खोल के पड़े गए थे, चिड़िया उड़ी एकदम से उड़ के निकली, तो हुआ क्या, गर्दन ही कट गई चिड़िया की, और जो गर्दन नल लग गई और बॉडी है ना हमारे बुक्स पे आके रह गई, बॉडी से एकदम आके मैं बहुत डर गया था, बतकना से डर गया था बहुत, मतलब क्या ही बोला, मेरे दिमाग में बात है अभी भी घूम रही है, इसलिए चिड़ियाओं से डर लगता है। सूरज, ये जो पेन का कटोरा है कि नहीं, इसको ऊपर कर देना, या फिर वहाँ पे न्यूज़पेपर भर दे बहुत सारे। आओ तुम्हारे पास आना है। बेटा आ जा, क्यों लो ला है तू इतना ज्यादा, अब तेरे पास जाना है, उसका बुखार जब से आया ना, जब से बहुत ज्यादा रो रहा है वो। नहीं ना बेटा, इतना नहीं रोते, अभी जस्ट सो के उठा, रोना धोना चालू हो गया उसका। कल रात को भी भाई ऐसे ही रोए जा रहा, हम पागल हो गए, क्यों रो रहा भाई तू, क्यों रो रहा है, रात को बहुत देर तक जगा रहा। आ जा मेरा ना, आ जा। चल, देख लो, अब मैं कहीं दिखाऊं मैं बेटे को, देखो। ओ, टीवी इतनी बड़ी, 5-6 ऐसी हो गई, इतनी बड़ी टीवी कैसे हो गई बापले, ओ बापले, ये कौन है, ऐसे ऐसे का डांस हो रहा है, ऐसे का डांस कर ले, अरे बापले ऐसे ऐसे डांस कर ले। ठीक है, तो फिलहाल अदिति का पार्सल लेने के लिए नीचे आया था, तो देखा हमारी पूंसा रानी जस्ट अभी सो के उठी है, सिर पुचू कर दो मामा। पिंची, आए हाय ब्यूटी क्वीन, एक बार और सिर पुचू, पिंट वीडियो, आए हाय, एक बार सिर पुची, सिर पे वो लिपु लिपु, आए हाय, अब तू मेरे को यहां गाल पे दे दे पुची, गिली वाली काट ले, काटो बेटा, काटो ना, काट ले, आ करके खा, बच्चों का काटना है ना बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, छोटे छोटे दांत अपने गालों पे लगा देते, बेटा मामा को ले, एक बार काट ले ना बेटा, फिर मैं जाऊं, मैं तोड़ लूंगा तेरा गाल, बहुत अच्छा है इसका लानी, आओ क्या आ रहा बेटा, आ रहा है। गाइस, तो फिलहाल मेरा विदित को ना नजर वजर क्या पता क्या हुआ है, बस रोना धोना चल रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा इतना ज्यादा, बस रोना धोना चल रहा है इसका, दो दिन से, रात में भी सोता, दिन में भी सोता है, रोना बस रोना, नहीं छेर। हाँ, खींच ली, वीडियो बना लिया। गाइस, तो फिलहाल जो पार्सल है थोड़े रिटर्न करने, अदिति को जो भी आया था ना उसमें क्या बोलते, दो तीन चीज़ थोड़ी सी गलत है जो अदिति ने नहीं बुलाई थी, तो उसको फिर आप पोस्ट ऑफिस आप में वापस देने के लिए जा रहे, पहली बार देने जा रहे, भैया इसका पता भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म लिख दिया और टू लिख के पहुंचा रहे हैं। ठीक है, धूप तो बहुत तगड़ी सी हो रही है, इसी स्कूटी कौन ठीक टेकता भैया, ये सूरज का काम हैगा, एक तो सूरज और ऊपर से काना, दोनों ऐसे उल्टे काम नहीं करे तो काम नहीं चले उनका दोनों का, भाई है सज्ञा भैया ना, इसलिए दोनों एकदम खड़ी थे, कोई आए तो सीधी गाड़ी नीचे। तो धूप तो सीधी पूरी मुंह पे लग रही है और मेरे हाथ काले हो जाएंगे, सबसे बड़ी टेंशन में को ये हो रही है, मेरे हाथ पूरे काले हो जाएंगे और चेहरा अलग काला हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट इसलिए जा रहे थे क्योंकि अदिति के पार्सल रिटर्न करने थे, और ऊपर से अदिति का जो सनग्लास था ना, जो पिछले साल बनवाया था, वो वाला सनग्लास करना है, और बाकी अभी जो सनग्लास है उस पे इतने सारे जितने ज्यादा स्क्रेचेस है कि हंस जाता है, इसलिए उसको भी चेंज करवा देंगे हम। ठीक है, फिलहाल पोस्ट ऑफिस आए थे, पोस्ट करने हैं कि कुरियर करने हैं, कुरियर तो यहीं से होगा ना शायद। ठीक है, तो फाइनली एक काम तो खत्म हुआ, इधर आगे से नहीं दिखा सकता हूँ, डिटेल होगी शायद, फकट ले निकाल स्कूटी,
निकाल मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल अभी वहाँ पे पोस्ट कर दिया और गला सूख रहा था तो हमें सोचा कि नींबू पानी पिया जाए, तो फिलहाल नींबू पानी बनवा रही है। खुद से भी ज्यादा मेरी तू केयर करता है, जब भी मैं रुस जानी मेरे आगे कान पकड़ता है, अखा विच मेरे आंसू तू कभी ना रे देता, इन्ना सर न चढ़ा मैनू तू, मैं बिगड़ जानिया है फिर, तेरी आदत जे लग गई तो तेरे बिन मर जानिया है फिर। ठीक है, तो फिलहाल अभी अदिति के वी डिड आगे नानी के गर्ल विदित की नानी के गले के आया मुझको भैया। हाँ उसका आसन पता है ना कि ये जगह है मेरी, यहीं पे बैठना है मेरे को, है ना पप्पू, है ना विदित। अब कितने महीने रहना है अपन यहाँ पे? 5 महीने। है गए, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, अधिक सर तो यहाँ पे सो गए यार, वो अधिक सर हमको रात में परेशान करेंगे। देखो ना कि 6:30 और अधिक सर यहाँ पे सो रहे हैं। है गए, तो फिलहाल अभी अदिति यहाँ पे खाना बना रही है, ये मक्की की रोटी बनाई उसने अदिति ने, फिलहाल इसकी रोटी मोटी सब कुछ बन चुका है। और फिलहाल हमको चूल भरा रही थी तो हम यहाँ पे माइक्रोवेव में स्वीट कॉर्न आता है तो उसके दाने फ्रिज में से निकाले, इसका जो बाउल आता उसमें लिया मैंने, उसमें डाला घी डाला नमक डाला अच्छे से मिला के इसमें रख दिया। फिलहाल गैस पे कौन करेगा, एक बार इसके अंदर भी ट्राई करते हैं, इसके अंदर अच्छा हुआ तो फिर इसके अंदर ही करेंगे। बहुत चूल उभर रहा थी मेरे उल्टी सीधे काम करने की, मैं बहुत उल्टे सीधे काम करता हूँ घर के अंदर, मेरे सबके सब चिल्लाते रहते मेरे को, देखो हो रहा है नहीं, खोल क्यों दिया। एक तो फिलहाल अभी खाना खा रहे थे, खाना दाल चावल खा रहे, हमारे बेबी ने ये बना के रखा है मान ले दाल चावल। गरम दाल का चटका लगा दूंगा मम्मी के सामने भी, बेबी का भी नहीं, मम्मी समझ में नहीं आता ना मम्मी को, तो मम्मी क्या बोलता, मैं मम्मी के सामने कहता गिव इट टू मी ग्लास बेबी, तो मम्मी समझती नहीं, मेरे साथ चम्मच बेबी, तो मम्मी ये चीज़ें समझती नहीं है मम्मी, सबके सामने सब समझ जाती है मम्मी, नहीं समझती सब समझ जाती, बोलती नहीं तो उसका फायदा नहीं उठाना। चलो चलो ये खाना खाते हैं अधिक, नो बेटा। एक तो फिलहाल अभी 10:30 बज रही है और फिलहाल यहाँ पे रूम में आ गए और रूम में ना दोनों भाइयों की इतनी ज्यादा मस्ती चल रही है क्या ही बोलना यार। ये देखो अधिक का उछल कूद चालू है और साथ में पप्पू का भी, जरा में गिर जाएगा फिर मुंह देखेगा, ये देखो तो अधिक कूद रहा है तो वो भी, इसको भी देखो, ये देखो ये देखो, अधिक भाई के ऊपर गिरेगा और लग जाएगी, आपको भी लग जाएगी भाई को भी लग जाएगी। विदित क्या है ये शैतान, तो खेलना थोड़ी ना बोलते इसको, ये क्या, हाँ डाल ले पूरा हाथ डाल लेता, हाथ पूरा जाना चाहिए अब नक्कू के अंदर, मेरी भी मेरा भी हाथ जान दे, ले ले नहीं नहीं तू आ पहले, पप्पू हाथ डालेगा नक्कू में, विदित विदित इधर हाथ डालो, विदित दो डालेगा, विदित इधर नक्कू में उंगली डाल दो भैया जी, जल्दी खड़ा हो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा चेहरे को मार शैतान, आना मत हो तू तो बहुत बताई तो मैंने करा यार, मैं तो उसका उंगली करने को बोल रहा था, तो फिर हाथ ही चीज काम में ले ले। अधिक विदित की बहुत लड़ाई होती है यार, और अधिक ज्यादा रोता है, विदित कब रोता है, अधिक ज्यादा रोता है, टकले अधिक रोना नहीं बेटा, अपन टकले स्ट्रांग है ना, टकले अब आना मेरे बेटे के पास, तूने कितनी जोर से मारी पापा ने उसको।